नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और अभी पहुंचे हुए हैं मधेपुरा के सबसे मशहूर डॉक्टर सीताराम यादव के पास, जो अपने जो भाषा शैली से अपने पेशेंट को जो इलाज करते हैं वो अपने आप में अद्वितीय है। क्योंकि अमूमन आप कहीं भी जाते होंगे तो वो शैली आपको नहीं देखने के लिए मिलता होगा जितना शैली आपको सीताराम डॉक्टर के पास जब आते हैं तो उनके पास देखने को मिलता है। विगत 30 से 40 वर्षों से वो लगातार सेवा दे रहे हैं और अपने जो बोलने का जो शैली है उसी के लेकर वो प्रख्यात है। और सिर्फ बोलने के शैली से ही नहीं बल्कि उनका जो इलाज होता है वो 100% लोग इलाज होकर यहाँ से जाता है और ये सेटिस्फेक्शन जो है विगत 40 वर्षों से वो समाज को दे रहे हैं। और खास करके उनका जो शैली है वो जब आप आगे के वीडियो में देखेंगे तो आप भी चकित हो जाएंगे कि ये क्या शैली है। और ये जो लोकल शैली है यही एक खास बनाता है डॉक्टर को, क्योंकि कहावत है कि डॉक्टर अपने इलाज से बेहतर अपने आवाज से अपने बातों से उन लोगों को ठीक कर देते हैं। इस बात का अगर सटीक उदाहरण अगर कोई है तो वह है डॉक्टर सीताराम यादव, जो कि मधेपुरा के कॉलेज चौक पर स्थित है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कितना विशाल भवन बना हुआ है जहाँ पर डॉक्टर सीताराम अभी फिलहाल बैठ रहे हैं। इससे पहले वो अन्य जगह भी बैठते थे लेकिन अभी इनका जो मुख्य क्लिनिक है इसी जगह पर है और यहाँ पर जो है पर डे सैकड़ों की संख्या में पेशेंट को देखते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं आपको लेके और डॉक्टर सीताराम से आपको मिलाते हैं। और खास करके बात बता दूं कि ये आज पहला एपिसोड होगा और सेकेंड एपिसोड फिर अगले सप्ताह आपको दिखाएंगे। उस एपिसोड में और भी बहुत सारी बातों पर जिक्र होगा, तो बस बने रहिए हमारे साथ और आइए चलते मिलिए डॉक्टर सीताराम यादव। मेरा नाम डॉक्टर सीताराम यादव है। मेरा प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव सहरसा जिला अंतर्गत सुदूर ग्रामीण इलाका है सुमा किशनपुर, प्राथमिक और मिडिल स्कूल तक मेरी पढ़ाई वहीं हुई। उसके बाद मधुराम उच्च विद्यालय ग्वालपाड़ा से मैट्रिक करने के बाद 1972 में भागलपुर के TNB कॉलेज, उस समय बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित कॉलेज था, वहां से इंटर किया। इंटर करने के बाद उस समय जैसे आजकल नीट का कंपटीशन होता है तो उस समय TMDT का जो है कंपटीशन हुआ करता था और बिहार में 4 ही मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। तो उस समय RMCH रांची से MBBS की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मेरा इच्छा हुआ कि अपने ही ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की सेवा जो है किया। मैं 1985 में बिहारीगंज आ गया, बिहारीगंज में 6 साल तक सेवा दिया। उसके बाद जो है बिहार सरकार की सेवा में खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में सेवारत रहा। 4 साल पहले मेरा सिविल सर्जन में प्रमोशन हुआ था तो हमने लिख के दे दिया कि प्रशासनिक कार्य मुझसे संभव नहीं है, 32-33 साल सेवा में हो गया है, या तो वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाए अन्यथा चिकित्सा कार्य में रहने दिया जाए। सरकार ने मेरे आवेदन को स्वीकृत करते हुए मुझे यथास्थान निभाने दिया गया। लेकिन तब तक 2023 में मेरा रिटायरमेंट आ गया, 31 दिसंबर को रिटायरमेंट था। 12 दिसंबर को मेरी प्रोन्नति अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा बिहार में जो है की गई, वहाँ से 31 दिसंबर को मैं सेवानिवृत्त होकर पुनः स्वास्थ्य सेवा कहिए जनसेवा कहिए अपने आवास पर मधेपुरा में ही लोगों का जो है सेवा करता हूँ। खास करके एक सवाल जो है पेशेंट के बीच में कौतूहल का विषय होता है कि आप तो जब उनको आप ट्रीटमेंट करते हैं तो जो लोकल भाषा में जब ट्रीटमेंट करते हैं वो कभी कभी जो पढ़े लिखे लोग जाते हैं बाहर से वो आपके पास आते हैं, तो आप जब उनको समझाते हैं गांव घर के लोगों को कि मह लागे छ, दूध खाए छ, ये इस सब चीज जो बोलते हैं, तो आप 4 गो भूत सवार भाग छ, सब भूत को हम एक एक करके निकाल देव, तो ये शैली जो होता है अमूमन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अगर हम खोजा जाए तो एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा जो ऐसे लोकल भाषा लोकल शैली, ये सर कहां से लाते हैं ये सब? क्योंकि 40 साल से मैं उन्हीं लोगों के बीच में रह रहा हूं
और जो इलाज कराने के लिए मेरे पास आते हैं लोग रोगी, वो कोनो अंग्रेजी और हिंदी में अपना तकलीफ नहीं बताते हैं, वो अपने ही भाषा में बताते हैं। मेरा ब्रेन तो कंप्यूटर जैसा उसे ट्रांसलेट कर लेता है कि इसको अंदर में भंगठी क्या है, लेकिन वह जिस लैंग्वेज में अपने तकलीफ को बतलाता है मैं समझ जाता हूँ। इसीलिए उसी उसे भी हम अपने भाषा में ही जो है उसके भाषा में ही अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो उसे समझ में तुरंत और जल्दी आ जाता है और उसको संतुष्टि भी होती है, मेरे समय का बचत होता है। खास करके एक एग्जाम्पल अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि कभी अभी अक्सर आ रहा है आपके पास कि सर चकराना, ये लगभग 5-6 साल से ये प्रॉब्लम चला रहा है, अक्सर सर जो है चकराने लगता है, घूमने लगता है। तो मुझे याद है कि एक समय में सर बोले थे कि एक टावर देखे छ, टावर के ऊपर में बॉल जले छे, अगर नीचा से तार का हम काट देवे तो ऊपर का बॉल जलते, तो पेशेंट जो था कल के हाँ सर नहीं जलते, तो इन्होंने कहा कि हम वही तार जोड़े वाला तोरा दवाई दी छा, तार जहना जुड़ता तो और ऊपर बॉल जले लगता तू ठीक है। ऐसा होता है, न्यूराइटिस नर्व में कमजोरी होता है और विटामिन B1, B6, B12 साइनोकोबालामिन का कमी हो जाता है, तो हम अगर रोगी को बोलेंगे कि थोड़ा आपके शरीर में साइनोकोबालामिन का कमी हो गया है इसीलिए आपको न्यूराइटिस हो गया है, तो उसके पाले कुछ भी नहीं पड़ेगा, सब बात उसके माथे के ऊपर से जो है उड़ जाएगा और उसको अगर सीधी